नमस्कार दोस्तों, बहुत ही मशहूर फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर आज राजधानी लखनऊ पहुंचे। आए तो थे वो अपनी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का प्रमोशन करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लुलु मॉल में पीवीआर सिनेमा, अब तक के सबसे बड़े सिनेमा का उद्घाटन भी किया, अपने फैंस के साथ ठुमके लगाए, फिल्म का ट्रेलर भी मीडिया के साथ में देखा और दिल खोलकर बातचीत भी की। उन्होंने फिल्म की कहानी के बारे में बताया, फिल्म्स की जो टाइटल रखे जाते हैं उसके बारे में बात हुई, लखनऊ को लेकर वो क्या सोचते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया, वो पहली पिक्चर जब देखने गए थे तब उनके साथ क्या हुआ ये उन्होंने बताया, और नेशनल वॉच ने जब उनसे एक खास सवाल बायोपिक को लेकर के पूछा तो उसका भी उन्होंने हंसते हुए बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया। दोस्तों बहुत एनर्जेटिक हैं, दिखने में बहुत डैशिंग हैं, लाखों करोड़ों इनके फैंस हैं। आइए हम सुनवाते हैं, संक्षेप में आपको सुनवाते हैं कि जब आज लुलु मॉल लखनऊ पीवीआर का उद्घाटन करने पहुंचे तो अभिनेता रणबीर कपूर ने क्या कुछ कहा। किरदार में निभा रहा हूं उसका नाम है विकी, वो ट्रू लव में बिलीव करता है, ऑल आउट लव में बिलीव करता है, रिलेशनशिप डायनेमिक्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरह समझता है, लेकिन जब उसे सच्चा प्यार होता है तो एक टेढ़ी लड़की से होता है जो झूठी निकलती है और उसकी वजह से उसके अंदर का मकार निकलता है। बट बहुत ही फन पिक्चर है, हिलेरियस कॉमेडी है, हिलेरियस लव स्टोरी है, इट्स मेड फॉर द सिनेमा, इट्स मेड फॉर एंटरटेनमेंट। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लव रंजन जो हमारे फिल्म के निर्देशक है उन्होंने फिल्में बनाई है लाइक सोनू की टीटू की स्वीटी, प्यार का पंचनामा, एंड जैसे हमने ये फिल्मों में भी देखा है उनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो डायलॉग राइटिंग है, बहुत बहुत मजेदार डायलॉग्स दिखते हैं, बहुत टफ डायलॉग्स दिखते हैं क्योंकि मोनोलॉग्स तो आप हम सब जानते हो मोनोलॉग्स में बहुत पॉपुलर है, तो इसमें थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि जो मोनोलॉग्स वो लिखते हैं ही लाइक्स इट कि जो एक्टर जब वो परफॉर्म कर रहे हैं ना ही कि वो सांस ले एंड ही कांट ब्लिंक ऑल्सो, सो यू रियली हैव टू कॉन्सेंट्रेट इन गिविंग दोस lines, but it's been a blast shooting this film और मैं बहुत excited हूँ to release। आप सिर्फ पूरे दौर पर concentrate करते हो लेकिन पठान के पहले भी क्या क्या आए हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। गंगूबाई फिल्म आई थी, फिर भूल भुलैया 2 आई थी, दृश्यम 2 आई थी, ब्रह्मास्त्र आई थी, पठान आई थी, और ये इंडस्ट्री, और जब हम फिल्मों के बारे में बात करते हैं हर इंडस्ट्री में हिट्स और फ्लॉप्स होते हैं, बट पता नहीं आजकल हम सबको ये बहुत मजा आता है कि हम हिंदी सिनेमा को नीचे करेंगे, हिंदी सिनेमा खत्म हो गया, बॉयकॉट बॉलीवुड, यार ये हम जो बना रहे हैं ये इट्स मेड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, इट्स मेड के ऑडियंस सिनेमा घर में आए, उनका उनका मनोरंजन हो, दे हैव अ गुड टाइम इन द सिनेमास, दे फॉरगेट देयर वरीज और मजेदार एक 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 माहौल बने। तो आई थिंक जिस तरीके से हम फिल्में बना रहे हैं ऑडियंस के लिए, आई थिंक ऑडियंस ऑल्सो गिव्स दैट लव बैक। अगर आप अच्छी फिल्म बनाओ, अगर आप अच्छी फिल्म नहीं बनाते, अगर आप एक बुरी फिल्म बनाओ तो दे हैव ऑल द राइट कि आपको गाली दे, आपकी फिल्म की बुराई करे। बट जहाँ मीडिया का सवाल है, आई थिंक अभी ये बहुत टाइम से चल रहा है कि यार हिंदी सिनेमा को नीचे दिखाओ, अभी साउथ सिनेमा की फिल्में चल रही है तो साउथ सिनेमा इज द ग्रेटेस्ट, बट अभी पठान के कलेक्शन अगर हम देखें तो इट्स बीन क्रेजी एंड इट्स वेरी डिजर्विंग, यू नो यूपी के जो ऑडियंसेज है जो सिनेमा में आते हैं वो बहुत प्यार देते हैं हमारे फिल्मों को, हमारी वन ऑफ आर बिगेस्ट मार्केट्स इज यूपी फॉर हिंदी फिल्म्स, एंड जितना प्यार और सपोर्ट और सम्मान हमें मिलता है उसके लिए हम सिर्फ एक छोटी चीज कर सकते कि अच्छी फिल्म बनाए, अच्छा मनोरंजन है, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सबका। सवाल आपसे है कि अभी ये सुना गया कि किशोर कुमार की किशोर कुमार की बायोपिक आप करने जा रहे हैं, इससे पहले संजू भी आपने करी थी, क्या आपको लगता है, ये नहीं लगता कि बायोपिक करने से आपकी जो चॉकलेट बॉय की इमेज है उस पर कोई फर्क पड़ता है? मुझे कभी चॉकलेट बॉय की इमेज चाहिए नहीं थी क्योंकि मैंने फिल्में ऐसी की तो ये इमेज आप लोगों ने दी है मुझे, लेकिन हाँ किशोर कुमार की जो बायोपिक है अनुराग बासु, मैं 11 साल से इस पर काम कर रहे हैं, बट अभी तक वो स्क्रिप्ट बनी नहीं है जो हम सोचते कि अच्छा इस पर फिल्म बन सकती है। बायोपिक बहुत ट्रिकी होती है एंड स्पेशली जब आप एक किशोर कुमार जैसी हस्ती पर फिल्म बना रहे हो, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि दैट यू कम्प्लीटली सेलिब्रेट हिज लाइफ इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो काम चल रहा है लेकिन अब तक फाइनलाइज हुई नहीं। मेरे दादाजी ने एक फिल्म बनाई थी प्रेम रोग, मेरे पापा के साथ पत्नी कोल्हापुरी थी उस फिल्म में, बट क्योंकि मैं बहुत छोटा था और वो बहुत सीरियस मुद्दे पर फिल्म बनी थी, मुझे याद है कि मैं बहुत आराम से सो गया था 2 घंटे के लिए, तो मैंने फिल्म देखी नहीं थी, बट लेकिन जब मैं उठा आई कैन स्टिल रिमेम्बर कि जो जो साउंड था उस फिल्म का और जो बिग स्क्रीन पे मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग बैठे थे सब रोने थे,
तो एक माहौल सा, एक बहुत ही नया माहौल था मेरे लिए कि ये क्या हो रहा है। मतलब आप पर्दे पर कुछ देख रहे हो और उसका जो उसकी जो फीलिंग है वो लोगों में आ रही है। तो आई थिंक वो सिनेमा की जो जो फीलिंग थी मुझे पहली बार वो समझ में आई। अच्छा, जो आप उधर देख रहे हो आपको यहाँ भी फीलिंग आती है। तो वो फिल्म वो मेरी पहली फिल्म थी। जब हम फिल्में देखते हैं या घर पे VHS देखकर कोई एक्टर के गाने कॉपी करते हैं, हमारी रिहर्सल बचपन से शुरू हो जाती है कि जब हम बड़े होंगे हमको भी ये करना, यू नो, तो वो प्रैक्टिसिंग वहां से शुरू होती है। तो जब मैंने श्रद्धा के साथ काम किया, मुझे उनमें अपने आप को नजर आया, यू नो, कि आई फेल्ट कि यार वी आर फ्रॉम द सेम वर्ल्ड। वो बहुत मेहनती है, बहुत सिंसियर है, बहुत ही बड़ी स्टार है, लोग बहुत उसे पसंद करते हैं। एंड आई थिंक ये एक परफेक्ट फिल्म थी हम दोनों के लिए साथ में आने के लिए। एंड इट्स गोइंग टू बी अ ब्लास्ट। जब आप हम दोनों को देखोगे स्क्रीन पे आपको बहुत मजा आएगा। और दोस्तों, रणबीर कपूर ने इतनी लंबी चौड़ी दिल खोलकर बातचीत की है, जिसके लिए हमने बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स बनाए हैं जो हम YouTube पर और Facebook पर अपलोड करेंगे। तो आइए दोस्तों, 8 मार्च को मिलते हैं जब तू झूठी मैं मक्कार फिल्म रिलीज हो रही है लुलु मॉल के PVR सिनेमा घर, यानी उत्तर भारत के अब तक के सबसे बड़े सिनेमा।